लालू जी साथ ज्ञापन करेंगे? हाँ, अभी वापस आएंगे मैडम सोनिया जी आएंगी वापस, जाकर के मुलाकात होगी और दोनों लोग साथ ही जाएंगे। अच्छा, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा आप लोगों ने किया है, फिर भी बिहार में कुछ लोगों को भरोसा नहीं है कि आप लोग दे पाएंगे। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो दे देंगे तो हम भी उनके साथ आ जाएंगे। अब जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, हो ही जाएगा, होना तय है। एक बात समझिए, ये होना तय है, कौन क्या कहता है उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना। हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों का ये कमिटमेंट है और ये बिल्कुल हो करके रहेगा। आप और नीतीश जी, आप और नीतीश जी जो एग्जिट करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है सफलता मिलेगी? क्या कांग्रेस और बीजेपी को अलग करके आप लोग सोच रहे हैं कांग्रेस रहेंगे साथ? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी को ये जो आप लोग अलायंस की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस? नहीं, आप एक बात समझिए, सभी विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है। और हम तो पहले भी कहे हैं कि अब सोनिया मैडम आएंगी, हम तो गए थे मुलाकात करने, आपको भी पता है जब हम ओथ लिए थे उसके बाद हम जाकर के सोनिया जी से भी मुलाकात किए थे। अब जब बीमार हैं, वापस आएंगी वापस, तो दोनों लोग नेता जो है मिलने जाएंगे और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है ना, सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए। अच्छा, जब से सरकार बनी है जो लोग बहुत दिन तक खामोश थे, अचानक एग्रेसिव हो गए, लगातार सरकार पे हमले, जंगल राज, कानून व्यवस्था, ये मंत्री गड़बड़ है, नहीं कौन लोग टारगेट? आरजेडी के नेता मंत्री है, सब दबंग है, बाहुबली है, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको करना नहीं है, एफिडेविट अगर उनको पढ़ाई अगर ढंग से आता है तो एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देखना चाहिए। उनके कितने मंत्री थे, क्या हुआ, भारत सरकार में कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, इस पर भी थोड़ा सफाई देना ना चाहिए। और जो लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण दे रहे हैं, उनके भाइयों ने क्या क्या किया है।